रेकी हीलर्स, रेकी टीचरशिप की डिग्री की पावर को समझें। मेरे प्यारे साथियों, विश्वासियों, समस्त रेकी हीलर्स, मैं आप सभी लोगों को रेकी टीचरशिप के महत्व को समझाना चाहता हूँ। आज अगर आपने रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग ले ली है या लेने वाले हैं, तो इस डिग्री के महत्व को समझें। ध्यान रखें, टीचरशिप यानी कि टीचर, आप रेकी के टीचर बन चुके हैं या बनने वाले हैं। रेकी के टीचर बनने का मतलब क्या हुआ? टीचर का मतलब हो गया अध्यापक। अध्यापक यानी कि गुरु, मतलब कि अब आपको दूसरों को ज्ञान देने की शक्ति प्राप्त हो चुकी है। आपने वो डिग्री प्राप्त कर ली है जिस डिग्री से आप दूसरे लोगों को ज्ञान देने वाले हैं, यानी कि गुरु का दर्जा आपको मिल चुका है। अब तक आपने रेकी फर्स्ट लेवल में टीचिंग नहीं की, सिर्फ हीलिंग किया और रेकी की गहराइयों को समझा। रेकी सेकंड लेवल में 3 सिंबल्स मिले, उन 3 सिंबल्स के इम्पोर्टेंस को आपने समझा और रेकी हीलिंग की डिस्टेंस में रेकी हीलिंग की पावर आपको मिली और इसकी प्रैक्टिस की, ढेर सारी बीमारियों को ठीक किया और रेकी को और गहराई में जाकर समझने की कोशिश की, आपको ढेर सारे अनुभव प्राप्त हुए। इसके बाद आपने रेकी मास्टर लेवल यानी कि रेकी थर्ड लेवल की डिग्री ली और मास्टर सिंबल दाई कू म्यू सिंबल की महत्व को समझा कि ये आपकी हीलिंग की पावर को कई गुना बढ़ा देता है। रेकी सेकंड लेवल में आपने हॉन्शा जेशन एन सेह की चोकुरेई इन 3 सिंबल्स के साथ में हीलिंग किया और अपनी और दूसरों की ढेर सारी समस्याओं का समाधान किया, बीमारियों को ठीक किया और आपने रेकी को समझा। लेकिन अभी आप रेकी टीचर तो नहीं बन पाए हैं। जब आप रेकी फोर्थ लेवल में जाते हैं तब आपको रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग प्राप्त हो पाती है। इसमें कम से कम शुरू से लेकर अब तक 3 महीने से 6 महीने या 1 साल या 2 साल तक का समय लग जाता है रेकी टीचरशिप तक पहुंचने में, और वो भी आपने लगातार हीलिंग की है अपनी और दूसरों की, हर तरह की समस्याओं का समाधान किया है या हर तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए हीलिंग किया है, तब जाकर आपको रेकी टीचरशिप की डिग्री मिल पाई है और रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग लेने के योग्य बन पाए हैं। रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग लेने के योग्य बन पाना बहुत ही भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है, बहुत ही मेहनत की बात है। आपने इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया, बहुत ढेर सारे लोगों का अपमान सहा, लोगों ने आपके ऊपर बहुत ही ब्लेम किया, दोष लगाया, बुरा भला कहा, लोगों ने आपको तमाम तरीके से बहुत तरीके से बुरा भला कहा, मतलब कि ये भी कहा कि ये क्या जादू मंत्र तंत्र है जिसे कि तुम लोग करते हो और इससे क्या होता है, ये तंत्र मंत्र का एक तरीका है, रेकी वेकी कुछ नहीं होती है, इस तरह की बातें आपने सुनी। लेकिन आप अभी तक इसी राह पर टिके रहे, मजबूत बने रहे, अपने आप को टिकाए रखा, आप रुके नहीं, झुके नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखे, कितनी भी बातें हुई, कितनी भी शिकायतें हुई, कितनी भी बुराइयाँ हुई, कितने भी रिजल्ट्स नहीं आए, बहुत बार आपने हीलिंग किया अपनी और दूसरों की और ठीक नहीं हुए, बीमारियां नहीं ठीक हुई या तमाम तरीके की दिक्कतें आई, जैसे कि समस्याएं नहीं ठीक हुई और बहुत लोगों ने ये कहा कि ये बकवास है। लेकिन आप ध्यान रखिए, जितने भी रेकी हीलर्स होंगे या जो लोग भी रेकी के बारे में जानते होंगे, रेकी थेरेपी के बारे में जानते होंगे, वो कभी भी वो आपकी बुराई नहीं करेंगे, उनको रिजल्ट आया या नहीं आया, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये तंत्र मंत्र है, ये बकवास है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इस तरह की बातें नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो तो बेचारे अनजान हैं, वो तो ऐसा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आप सबको माफ़ कर दो, क्योंकि आप अब रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग लेने वाले हो या आपने रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग ले ली है। अगर आपने नहीं ली है तो आप लेने वाले होंगे, जब आप रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग लेने वाले होंगे तो आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं। इतने सब समस्याओं का सामना करते हुए, इन सबको पार करते हुए आप इस लेवल तक पहुँचे हैं कि अब आप रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग ले सकते हैं या रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग ले चुके हैं, यानी कि आप रेकी टीचर बन चुके हैं। तो रेकी टीचर, जैसा कि आप जानते हैं, आपने अपनी स्कूल की पढ़ाई की होगी, अभी तक
क्लास वन से लेकर अभी तक आपने जितनी भी क्लासेस पढ़ी होंगी उसमें एक टीचर होता है या एक से ज़्यादा टीचर होते हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया, और वो टीचर गुरु होता है। गुरु गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, यानी कि इन तीन देवों से मिलकर गुरु बनता है। तो उस गुरु में उन तीन देवों की, तीन देवताओं की शक्तियाँ मौजूद होती हैं, और उन्हीं तीनों देवताओं की शक्तियाँ जब मौजूद होती हैं तो वो टीचर यानी कि वो गुरु जब किसी को शक्तिपात करता है तो वो शक्तियाँ उस व्यक्ति के अंदर चली जाती हैं। रेकी की शक्ति उस व्यक्ति के अंदर चली जाती है और वो व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है, यानी कि गुरु की कृपा हो जाती है उस व्यक्ति के ऊपर। यानी कि आप लोगों को कृपा देने वाले हैं, आप लोगों को मार्गदर्शन देने वाले हैं, आपके बताए मार्ग पर लोग चलने वाले हैं। इसलिए रेकी टीचर्स बनना, टीचर बनना आपके लिए परम परम सौभाग्य की बात है, अच्छे कर्म का फल है कि आप रेकी टीचर हैं। आप रेकी टीचिंग ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, डिस्टेंस में ट्रेनिंग दें शक्तिपात करें या डायरेक्ट ट्रेनिंग दें शक्तिपात करें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि रेकी सेकंड लेवल सीखने के बाद आप डिस्टेंस में हीलिंग करते हैं और लोगों को रिजल्ट आता है, फ़ायदा होता है, उसी तरह से आप शक्तिपात डिस्टेंस में देंगे यानी कि घर बैठे व्यक्ति को, दूर बैठे व्यक्ति को आप शक्तिपात करेंगे तो भी उतनी ही शक्ति जाएगी, उतनी ही पावर जाएगी, और वह जब दूसरों को हीलिंग करेगा, अपनी या दूसरों की हीलिंग करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी क्योंकि उसको पूरी तरह से रेकी शक्ति प्राप्त हो गई है, उसको शक्तिपात मिल चुकी है। इसलिए आप शक्ति देने के योग्य बन चुके हैं, आप शक्तिशाली हो चुके हैं, आप एक टीचर हैं, आप गुरु हैं, एक मार्गदर्शक हैं। आप जो भी अपने शिष्य को बताएंगे उसी से उसका कल्याण होने वाला है, उसी पर वो चलेगा और उसी से उसका कल्याण होगा, उसको लाभ होगा। मतलब ये है कि एक गुरु को कैसा होना चाहिए, गुरु सद्गुरु को कैसा होना चाहिए, उसे शांत रहना है, उसे बिल्कुल आराम से अपने शिष्यों के सवालों का जवाब देना है, वह बहुत ही ज्ञान से भरा होता है और ज्ञान का सोर्स खुल चुका होता है, वो टीचर खुद बहुत ही ज्ञान लिए हुए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान से भरा होता है और ज्ञान ही हर समस्या का समाधान है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो अपनी समस्याओं का समाधान कराना चाहता है रेकी हीलर्स के पास या रेकी टीचर्स के पास या किसी भी सद्गुरु के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है, सद्गुरु उस समस्या का समाधान बताते हैं या उसको उपाय बताते हैं कि आपको क्या करना है, और आप वैसा ही करते हैं तो आपकी समस्या हल हो जाती है, समाप्त हो जाती है और आप आगे बढ़ जाते हैं, आपके जीवन के, आपके जीवन यात्रा की जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए आप रेकी टीचर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान बन जाते हैं। अब आप बहुत ही ढेर सारे ज्ञान से भरे हुए एक इंसान बन जाते हैं, आपका अब रोल बदल जाता है, आपकी भूमिकाएं बदल जाती हैं, आपकी जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, आपकी जिम्मेदारियां पहले से बढ़ जाती हैं, आपकी भूमिकाएं बहुत बढ़ जाती हैं और आपसे गलतियां होना तो संभव ही नहीं है। आप अनजाने में भी कोई गलत नहीं कर सकते हैं, आप जितना भी दूसरों को सही राह देना चाहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि रेकी टीचर बनना यानी कि टीचर बनने के बाद आप झूठ नहीं बोल सकते, आप हमेशा सच बोलेंगे, आप किसी को भी मिसगाइड नहीं कर सकते, आप हमेशा लोगों को सही गाइडेंस देंगे। इसलिए टीचरशिप में जो आपको चार सिंबल दिए जाते हैं, उन चार सिंबल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। उन्हीं चार सिंबल्स की मदद से आप किसी को भी शक्तिपात करते हैं। उन चार सिंबल्स का नाम आपको पहले भी बता दिया गया है लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ, राकू फायर सरपेंट, ताइवेतन डाइकोम्यू और जोनार। जोनार चूँकि वहाँ पर हीलिंग के काम आता है लेकिन रेकी टीचरशिप में जोनार सिंबल आपको शक्तिपात करके दिया जाता है, उस समय शक्तिपात करने के लिए जोनार सिंबल की ज़रूरत पड़ती है रेकी टीचरशिप में। इसीलिए रेकी टीचरशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने अभी तक रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप अगर लेना चाहते हैं
तो जितनी जल्दी हो सके ज़रूर लीजिए, लेकिन आप अपने आप को भी चेक करिए, ध्यान रखिए कि आप उसके योग्य हैं कि नहीं हैं। आपका टीचर जो कहेगा कि आपने कितने समय तक प्रैक्टिस कर ली है, तब जाके वो आपको शक्तिपात करेगा। रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग देगा। रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग लेने के बाद आप दूसरों को शक्तिपात कर सकते हैं, कर पाएंगे, उसकी योग्यता रख पाएंगे। इसीलिए रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग यानी रेकी टीचरशिप की डिग्री आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।